ईरान ने बड़े पैमाने पर इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरानी सेना की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि इसराइल के लगातार अपराधों के खिलाफ हमला किया गया है। ईरान ने 1 अप्रैल को सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के लिए भी इसराइल को ही जिम्मेदार ठहराया है। ईरान की ओर से जारी सेना के बयान में हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस का नाम दिया गया है। सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद इसे उसकी जवाबी कार्रवाई बताया जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर ने कहा है कि खास लक्ष्यों को निशाना बनाने के मकसद से हमला किया गया। वहीं इसराइली सेना के सूत्रों ने कहा है कि 100 से ज्यादा ड्रोन छोड़े गए हैं। The regime in Iran fired a massive swarm over 200 killer drones, cruise missiles and ballistic missiles towards the state of Israel. Together with our allies and partners across the region, we are operating at this very moment to defend Israel from Iran's attack. इसराइली सेना ने कहा है कि इसराइल और दूसरे देशों ने क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को इसराइली एयर स्पेस से बाहर ही गिरा दिया है। ईरानी हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक भी बुलाई। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल मजबूत है, IDF मजबूत है और इसराइल के लोग मजबूत हैं। ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן. इस बीच नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही ईरान के खिलाफ इसराइल का साथ देने की बात कह चुके हैं। We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel and Iran will not succeed. दोनों प्रमुख विरोधी देशों के बीच सालों से छद्म युद्ध चल रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब दोनों देश आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि जहां भी जरूरत है वहां उन खतरों को रोका जा रहा है। हमले के बाद इसराइल में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं और यरूशलम में भारी धमाके की आवाज सुनने को मिल रही है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा है कि अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ हम इसराइली राष्ट्र और उसकी जनता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। 1 अप्रैल को सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने बदला लेने की बात कही थी। इस हमले में एक टॉप कमांडर समेत 7 अन्य सैन्य अफसरों की मौत हुई थी। ईरान ने हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं इसराइल ने इस हमले की न तो पुष्टि की थी और न ही इसे खारिज किया था। इस हफ्ते की शुरुआत में इसराइल के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो वो ईरान के अंदर जवाबी हमला करेगा। ईरानी सेना की सबसे शक्तिशाली ब्रांच IRCG का कहना है कि उसने ये हमला इसराइल के बार बार किए गए अपराधों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया है, जिसमें सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला भी शामिल है।